कराची में एक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आ गया। 75 साल बूढ़ी माँ को उसके सगे बेटे ने बेदर्दी से तेज धार हथियार के साथ कत्ल कर दिया। ये वाकया किस तरह से पेश आया और क्या वजह बनी जो एक सगे बेटे ने अपनी माँ का ही कत्ल कर दिया, ये सब जानेंगे शाह फैसल थाने के SHO से। सर बताइएगा कि इतना दर्दनाक वाकया ये पेश आया है, सगी औलाद ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, क्या वजूहात थी जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया? देखिए, जो इस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन से हालात और वाकयात सामने आए हैं उनसे कोई इस कदर सेंसिटिव चीज़ तो सामने नहीं आ रही, सिवाय इसके कि एक नीम पागल या एक साइको पेशेंट ने अपने अंदर ही प्लानिंग की कि मेरी माँ जो है वो मेरे कहने पर नहीं आमादा हो रही, मेरे कहने पर वो अपने फ्लैट को नहीं बेच रही, अगर वो बेच दे तो हम फाइनेंशली साउंड हो सकते हैं, हम ये तमाम चीज़ें उसकी ज़ाती दिमागी पैदावार थी, खुद साख्ता उसकी सोचें थी जिनको उसने अमली जामा पहनाने के लिए, उसे ऐसा लगता था कि उसकी सोचों के दरमियान उसकी माँ जो है एक बहुत बड़ी रुकावट है, अगर ये हट जाएगी तो उसकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून हो जाएगी। वो बेवकूफ़ या नादान आदमी या अपनी माली सोचों में इस कदर गिरफ्तार हो गया कि उसने इसके इनके नताइज से और इसकी सेंसिटिविटी से बिल्कुल सरफे निगाह किया और इतना बड़ा और इतना इतना नाजायज़ किस्म का कदम उठा लिया कि किसी इंसान को कत्ल करना तो इंसानियत का कत्ल है, लेकिन माँ को कत्ल करना तो मेरे पास ना तो उसके अल्फाज हैं और ना मैं उसे डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि ऐसे कत्ल को हम क्या नाम दें। उनकी फैमिली में मज़ीद कौन कौन लोग हैं और उस वक्त घर में कौन था जब ये पूरी वारदात हुई? जो हालात वाकयात हमें नज़र आए जो हमने वहाँ जाकर देखा तो उस फ्लैट में E22 फ्लैट नंबर है, ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है, वहाँ ये दोनों माँ बेटा अकेले रहते थे क्योंकि इसके दोनों बहनें और इसका भाई जो है वो अपनी शादीशुदा लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, ये सिर्फ अपनी माँ के साथ था और माँ भी बीमार और मुख्तलिफ डॉक्टर्स के ज़ेर इलाज थी, ये ख़ुद भी ज़ेर इलाज था, बस इसने अपने तौर पर ये सोचा कि मेरी माँ जो है वो रुकावट है और बस इसने ये काम कर दिया। कत्ल किस आले से, किस औजार की मदद से, किस चीज़ से और किस तरह से किया गया? सोती हुई माँ को उसने घर पे मौजूद छुरी के ज़रिए जो है वो एक 75 साल की बूढ़ी औरत के गले पे छुरी फेर देना, उस जब तक वो बेचारी जागती, समझती, मुज़ाहमत करती, शोर करती, उन तमाम हमलों से पहले उसने छुरी फेर के उसका नरखरा काट दिया, तो ये तो अभी अल्लाह का शुक्र है उसकी गर्दन अलग नहीं हुई। मुलज़िम के हवाले से बताएं कि वो अपने हवास में है, वो उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक है, क्योंकि अभी तक जो न्यूज़ में चल रहा है वो अक्सर ये भी बातें आ रही हैं सामने कि वो नॉर्मल नहीं है ज़हनी तौर पर। देखें, उसका जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके मुताबिक तो उसका इलाज जो है उसके घर वाले करवा रहे हैं और घर वाले यही उसकी वालदा थी, यही उसकी ज़िम्मेदार थी, लेकिन जब हम उसे गिरफ़्तार करके लाए और हमने उससे मालूमात की तो एक बड़ा कॉमन सा सवाल था कि आज दिन क्या है, उसे मालूम था कि आज जुम्मे का दिन है, तो हमने उससे पूछा कि मुसलमानों के लिए जुम्मे के दिन की कोई अहमियत, तो उसने कहा बिल्कुल, मैं भी जुम्मे के नमाज की तैयारी कर रहा हूँ, तो इतना पागल नहीं था वो। मुलजिम को आपने किस जगह से गिरफ़्तार किया? वहीं से, जहाँ उसी फ्लैट से जहाँ पर वो मौजूद था माँ को कत्ल करने के बाद, उसने ना तो भागा ना भागने की कोशिश की। और आपको इत्तला किसने दी? हमें पुलिस कंट्रोल 15 के जरिए जो है, पुलिस एमरजेंसी है, उसके जरिए इत्तला मिली थी। मुलजिम कहीं से भी अपनी इस हैवानियत पर शर्मिंदा है? किस पैमाने पर भी जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन वैसे पुलिस अफसर के हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसे कोई पेशमानी हो या वो अपने इस अमल के सीरियसनेस या इसकी ख़तरनाकियत के बारे में कोई समझ रहा हो, वो तो ये समझ रहा है कि बस मेरी रुकावटें हट गई हैं, बस अब मेरे लिए ज़िंदगी में सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त मुलजिम के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो रही है और इस वक्त जो है वो मुलजिम कहाँ पर है? उसके ख़िलाफ़ जो पुलिस में ज़ाब्ते की कार्रवाई है, 302 का मुकदमा उसके ख़िलाफ़ कायम हुआ है और अदालत में पेश किया गया, अदालत ने उसे जो है जेल कस्टडी रिमांड पर दे दिया। नाज़रीन, बड़ी ही सोचने वाली बात है कि एक सगा बेटा और एक बूढ़ी ज़ईफ़ माँ
को किस तरह से कत्ल कर देता है। माशरे में जहालत किस कदर बढ़ती जा रही है और इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आने लगे कि बाप ने अपने बच्चे को कत्ल कर दिया या बेटे ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ जहालत है और बहुत एक दिल दहला देने वाला वाकया जो है ये यहाँ पर पेश आया है।